ये जो मुद्दा उठा हुआ है प्रिंसिपल का बताने में, इससे हम मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बार बार कहा था कि हाईकोर्ट के जज के द्वारा सीबीआई की इंक्वायरी की जाए और उसके पहुंचा जाए। जब भी क्यों पुलिस स्टेटमेंट आ जाती, कभी कभी कंप्लेंट या अखबार में पढ़ता हूँ, तो ये कोई नहीं उसको पूरी उत्तर करती है। बड़ा गंभीर मामला है। एक उछाणा वाले मामले में जी एक राजनीतिक दबाव का भी नाम आ रहा है, एक राजनीतिक नेता का भी इसमें हाथ है। और सरकार कान बंद करे बैठी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई मायना नहीं, SIT का कोई मायना नहीं। SIT तो पता नहीं कितनी बना ली सरकार ने, कभी किसी रिपोर्ट आई लड़कियों के बयान आए हैं कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ छेड़खानी की गई है, तो क्या कांग्रेस की जब बात नहीं मान रही है सरकार, क्या कांग्रेस इसको लेकर के सड़क पे उतरने का काम करेगी? हाईकोर्ट के जज के द्वारा मांग कर रहे हैं और नई सरकार को आती है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बनाएंगे सवाल सभी से, सभी दलों के वकील साथी थे, भाई 9 साल में कोई एक भी काम गेंद के विकास का हो तो बताओ, नहीं कोई कुछ नहीं बता सके। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ हो रहा है, जहाँ छोड़ गए थे हम वहीं हैं, बल्कि जो इंडस्ट्री डेवलप होनी थी, इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप होनी थी वो भी वर्गो कर दी, और जिस प्रकार से और विकास होना था तेजी से हो रहा था, जिनका विकास हो गया और पूरे हरियाणा का विकास रुका हुआ, तो ये सरकार जो है मौजूदा सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। नॉन परफॉर्मिंग और इवेंट मैनेजमेंट टीम है। अभी एक और इवेंट ला रहे हैं, यात्रा लगा रहे हैं, उसमें सरकारी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब भी। और आप लोगों का, मैं तो अखबार पढ़ता हूँ रोज, फ्रंट पेज पे या दूसरे पेज पे हरियाणा सरकार का होता है, कोई ना कोई बात कही जाती है। सिर्फ अखबारों में है ये सरकार, धरातल पे नहीं है सरकार। ये समझते अखबारों में छपने से लोगों की राहत मिलेगी, कोई राहत लोगों को नहीं मिली। यहाँ हर वर्ग परेशान है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी करता है, किसी को लगा कहेगा। कांग्रेस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और तेलंगाना में भी ज्यादा चांसेस कांग्रेस की। एक हरियाणा के पांचवी का पता नहीं, एक हरियाणा के जो तक नहीं पहुंची, आप लोगों की तरफ से बयान आ रहा था कि कुछ सीट टिकट बंटवारे में कमियां रह गई थी और अगली बार कमियां दुरुस्त करेंगे, किस तरह से टिकटों का बंटवारा आप लोग करेंगे? ये करेंगे, ऑन मेरिट करेंगे, जो जीता हुआ टिकाऊ को देंगे। क्या पैमाना रहेगा सर उसका? जीता हुआ टिकाऊ जी। तो जब भी चुनाव आता है, राजनीति पे आ गई है, उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी धनखड़ को हटाकर नायब सैनिक बना दिया है, क्या लगता है कि हरियाणा में इस तरह कास्ट जाट नॉन जाट का पोलराइजेशन होगा, कुछ असर पड़ेगा? कोई भी पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाए, हमारी पार्टी का अध्यक्ष दलित है, मैं किसान हूँ, इसमें कोई बात नहीं। CM और अध्यक्ष का कॉम्बिनेशन रहता था, वो तो पार्टी का काम हो गई, किसी को बनाए, लेकिन वो किसी को बना ले ना बना ले, रिजल्ट 0। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।